अब यार अगर आप भी जो है रैंक पुशिंग करते हो लेकिन आपकी जो है बहुत ज्यादा हार्ड लॉबी होती है, मतलब कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपकी इतनी हार्ड लॉबी आ क्यों रही है और आपको कुछ समझ नहीं आता कि आपको उस लॉबी के अंदर खेलना कैसे है, सो भाई डोंट वरी, मैं जो है आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए बॉट लॉबी की ट्रिक लेके आ चुका हूँ। पूरी की पूरी वीडियो के साथ एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आप लोग अपनी बॉट लॉबी कैसे लेके आ सकते हो। फिलहाल आप लोग मेरा खुद का स्कोर चेकआउट कर सकते हो, यार ग्रैंड मास्टर मैंने लगा रखा है जस्ट बॉट लॉबी की ट्रिक की वजह से, ठीक है। एंड एक बात मैं आपको शॉर्टली दे दूं कि आपकी 10 में से 5 गेम जो है बॉट लॉबी की ही आएंगी और 5 गेम जो है, क्योंकि सीजन नया नया है इस वजह से जस्ट मैं 5 गेम का गारंटी दे सकता हूँ, इससे ज्यादा की नहीं दे सकता, क्योंकि यार क्या होता है ना हमारा इससे ज्यादा ना आता भी नहीं है, चाहे आप कितने ही बड़े रैंक में क्यों ना हो, चाहे कितने ही कम रैंक के अंदर क्यों ना हो, ठीक है। सो आप लोगों के साथ ना मतलब सारी की सारी चीजें मैं जो है डिटेल में शेयर करने वाला हूँ, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड अगर आप लोगों को भी बॉट लॉबी लानी है तो जस्ट इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच आउट करो, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जो है लाइक कर दो, और मुझे जो है काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। सो चलो डायरेक्टली आपको फुल गेम प्ले के साथ जो है मैं बताता हूँ कि आप लोग बॉट लॉबी अपनी कैसे लेके आ सकते हो। अब सो और यार मैं आप लोगों को लॉबी तो अपनी दिखा पाया ही नहीं, आप लोग वैसे ही देख लो, जस्ट 5 सेकंड की अंदर मैंने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ बिल्कुल बॉट लॉबी है, एक नंबर की बॉट लॉबी है। मतलब आप लोग कहोगे कि भाई कैसी लॉबी आ गई है तेरी, यार लॉबी का बॉट लॉबी का सीन क्या होता है मैं बता दूँ, जो बॉट लॉबी होती है ना उसके अंदर ना जो गिनती के 15 बंदे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। वो आपके जैसे प्लेयर होंगे, जैसे आप खेलते हो, जैसे आपका लेवल है, जैसे आपका रैंक है, उतने लेवल के प्लेयर्स होंगे वो, बाकी सारे के सारे बंदे जो है एवरेज प्लेयर होंगे, बिलो एवरेज प्लेयर होंगे, लाइक डायमंड के प्लेयर होंगे या फिर कुछ होंगे गोल्ड के प्लेयर, प्लैटिनम के प्लेयर, ऐसे प्लेयर मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन जो है बाकी के सारे जो बंदे होंगे वो बॉट मिलेंगे आपको, और मज़ेदार गेम होगा आपका, मतलब सच्ची बता रहा हूँ। और लाना कैसे वो आपको मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूँगा, फिलहाल हम लोग ना गेम के अंदर ही फोकस करेंगे कि मैं गेम कैसे खेल रहा हूँ वो भी आपको बताऊँगा, और आप लोग भी बॉट लॉबी कैसे लगा सकते हो वो भी डिटेल में जो है पूरी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा भी बनाऊंगा और मज़ेदार भी होने वाला है वीडियो के अंदर ना। अब यार काफ़ी सारे भाइयों के अंदर ना दिमाग में एक ही बात चल रही होगी कि भाई अभी टाइमिंग बताने वाला है कि इस टाइम से इस टाइम पे खेलो भाई, इस टाइम बॉट लॉबी आएगी। भाई तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल सही बात चल रही है, मैं जो है यही बताऊंगा आपको किस टाइमिंग पे गेम खेलो, कैसे गेम खेलो, मतलब कैसे गेम खेलो से मेरा मतलब है कि आप लोग बॉट लॉबी के अंदर भी ना बिल्कुल नोबड़ाबंदी कर देते हो, जिस वजह से आप लोग ना बॉटों के सामने हार जाते हो और उनको बोलते हो कि भाई काफ़ी अच्छा बंदा था और हमें मर गए, ये हो गया वो हो गया। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको गेम भी खेलने आनी चाहिए एंड बॉट लॉबी कैसे लेके आनी है, देखो टाइमिंग जो है ना मैं आपको ना स्टार्टिंग बता दूँ, मैं ज़्यादा ना होल्ड नहीं करूँगा, टाइमिंग बता दूँ एंड एक स्ट्रैटेजी भी है जो मैं अप्लाई करता हूँ बॉट लॉबी लाने के लिए। देखो यार टाइमिंग जो है बिल्कुल सिंपल सी टाइमिंग है, आपको जो है ना रात के टाइम पे खेलना है। अगर आप लोग रात के टाइम पे नहीं खेल सकते हो आपको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन आपको रात के टाइम पे जो मेरे भाई खेल सकते हैं उनको बता दूँ, रात के टाइम पे आप लोग गेम खेल सकते हैं। देखो ये बंदा सामने साइड में, भाई बिल्कुल बॉट था ये, बिल्कुल बॉट था भाई ये बंदा, सीधा मैंने इसको बॉडी मारा और खत्म हो गया बंदा। सो रात के टाइम पे आप लोग खेल सकते हो 2 बजे से लेके सुबह के 4:30 बजे तक, जिस टाइम पे जो आपको बिल्कुल बॉट लॉबी देखने को मिलेगा। अगर 2 बजे से नहीं आती आपकी लॉबी, ठीक है, बाय एनी चांस आपकी 2 बजे से नहीं आती लॉबी, तो आप लोग सिंपल से एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करो जो कि मैं खुद करता हूँ। 1:45 पे आप लोग ऑनलाइन आओ और 46 तक जो है गेम को स्टार्ट कर दो, ठीक है, मैच मेकिंग स्टार्ट कर दो। उसके बाद जो है मैं गारंटेड लिख के दे रहा हूँ कि रात के टाइम पे जो है ना, सीजन स्टार्टिंग के टाइम पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, सीजन ऑलरेडी काफी जा चुका है, मतलब 5-6 दिन हो चुके हैं जाए हुए, 5-6 दिन नहीं 11 दिन हो चुके हैं जाए हुए, ठीक है, तो आप लोग 11-12 दिन हो चुके, तो आप लोग कह सकते हो उस टाइम तो बिल्कुल बॉट लॉबी आ रही है रात के टाइम पे, कोई नहीं खेलता रात के टाइम पे, तो आप लोग रात के टाइम पे रैंक पुशिंग करो यार। और जो मेरे भाई जो हैं बिल्कुल स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ उनका एज काफ़ी छोटा है, वो रात के टाइम पे नहीं खेलते हैं, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप लोग ना दोपहर के टाइम पे खेल सकते हो। अब भाई आप लोग बोलोगे कि भाई दोपहर के टाइम पे कैसे खेलोगे, भाई मेरा कहने का मतलब सुबह से लेके, सुबह 6 बजे से लेके अपना दोपहर 1 या 1:30 बजे तक, अगर आपका स्कूल या कॉलेज वगैरह नहीं होता है तो आप सुबह 6 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक रैंक पुशिंग करो, जिस टाइम पे जो आपकी एवरेज लॉबी देखने को मिलेगी, बॉट लॉबी नहीं आएगी, ये मैं बता दूं, क्योंकि यार उस टाइम पे ना काफ़ी बंदे ऑनलाइन होते हैं एंड मतलब बिल्कुल एवरेज लॉबी आएगी जिनको आप लोग हैंडल कर सकोगे, और अगर नहीं कर सकते तो भाई मेरी रैंक पुशिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स देखो ना यार, और कैसे हैंडल करोगे भाई, मैं सिखाऊंगा ना आपको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोग एवरेज लॉबी ऐसे ला सकते हो, और बॉट लॉबी रात के टाइम पे ही आती है जो कि मैंने आपको बता दी है। और अब बॉट लॉबी लाता कैसे हूं मैं, जैसे मैंने आपको टाइमिंग बता दी, और लाने का भी एक स्ट्रैटेजी होती है यार। सबसे पहली बात ना, बॉट लॉबी लाने के लिए आपका रैंक बहुत मैटर करता है। अगर आपका बहुत ही जल्दी, मान के चलो अगर आपका हीरोइक अभी तक नहीं लगा है, तो अगर आप लोग डायमंड 4 के अंदर हो तो आप लोग भूल जाओगे अभी बॉट लॉबी आने वाली है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। चाहे आप रात में खेल लो, चाहे सुबह में खेल लो, चाहे दिन रात जब मर्जी खेल लो, अभी बॉट लॉबी आएगी ही नहीं, ठीक है। एक तो वो रैंक हो गया, उसके बाद जो अगर आपका मास्टर लगने वाला है तो मास्टर से 500 स्कोर पहले आपकी बॉट लॉबी आनी बंद हो जाती है। अगर आपका जो है 10,000 स्कोर होने वाला है तो उससे 500 स्कोर 600 स्कोर पहले से बॉट लॉबी आनी बंद हो जाती है।
बाकी टाइम जो है बॉट लॉबी ही आती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और बॉट लॉबी नहीं आती है तो आपकी एवरेज लॉबी आती है, जिसको आप लोग बोलते हो कि भाई बहुत हार्ड लॉबियाँ रखी है, भाई ऐसा नहीं होता है। एवरेज लॉबी गरीना को भी पता है भाई कैसे हमको जो है मेंटेन करके चलना है, बैलेंस कैसे लेके चलना है, क्योंकि अगर गरीना चाहे ना आपको हार्ड हार्ड लॉबी देना तो आप लोग गेम खेलना ही छोड़ दोगे, आप कहोगे भाई उतरते ही तो मर जाता हूँ यार क्या खेलूँ भाई ऐसी लॉबी में। तो इसलिए ना गरीना खुद जो है चाहती है कि आप लोग बॉट लॉबी लाओ, उनसे मोटिवेशन लो और अपनी जो है रैंक पुशिंग की जर्नी को अपना स्टार्ट करो। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस वाली गेम के अंदर मैंने 2 किल कर दिए हैं, और स्ट्रैटेजी क्या थी मेरी मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। काफ़ी सारे मेरे भाइयों के ना दिमाग में ना मिथ रहता है कि भाई आपका जो है ग्रैंड मास्टर लग जाएगा उसके बाद जो आपकी बॉट लॉबी आएगी। भाई अगर आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो, अगर आप लोग मेरी रोड टू ग्रैंड मास्टर वाली सीरीज देखते हो तो आपको पता है कि मेरी किस लेवल की लॉबी आपको दिखाता हूँ मैं। कभी कभार बिल्कुल बॉट लॉबी दिखाता हूँ, कभी कभार इतनी हार्ड लॉबी दिखाता हूँ कि मैं खुद ना मतलब जाता हूँ और मर जाता हूँ, जिस पर आप लोग कॉमेंट में लिखते हो कि बॉट भाई ऐसी लॉबी के अंदर ना खेलना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपसे भी लेवल पे अबव वाले बंदे आते हैं भाई। अब आप तो भगवान हो नहीं कि भाई मरोगे ही नहीं आप, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ प्लेयर हैं, हम भी मर सकते हैं, तो वही होता है सीन, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपका जो है ना आप सोच के बैठो कि ग्रैंड मास्टर लगाने के बाद आपकी बॉट लॉबी आएगी, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक मिथ है, ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया, ठीक है। और अब आप कैसे लाओगे लॉबी आपको उन्हें बता दिया है, और अब एक मेन फैक्टर जो मेरे बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ यार, जब बिल्कुल मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि भाई अब तो भाई लॉबी आ क्यों नहीं रही ढंग की से, मेरा मतलब बॉट लॉबी क्यों नहीं आ रही यार, तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ ना, मैं जस्ट गेम के अंदर जाता हूँ, सेटिंग के अंदर जाने के बाद जो क्लियर कैचेस होते हैं, जस्ट क्लियर कैचेस 3 से 4 बारी जो है मैं लगातार दबाता रहता हूँ, ठीक है। मैं क्लियर कैचेस करता हूँ जिससे कि ना गेम का जो है बैकग्राउंड उसको गेम का ऐसा लगता है कि भाई जस्ट अभी अभी ये बंदा आया है, और ये भी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। उसके अलावा जो है ना एक आप और एक मेन फैक्टर यूज कर सकते हो यार, कि आप लोग ना विदाउट गन स्किन खेलो। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको विदाउट गन स्किन, भाई मैं जब से इस सीजन विदाउट गन स्किन खेल रहा हूँ ना, मैंने बहुत नोटिस किया है कि मेरी काफ़ी ठीक ठाक सी लॉबी आ रही है, मतलब कि बिलो एवरेज लॉबी आ रही है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन जस्ट जब से मैं विदाउट गन स्किन खेल रहा हूँ तो कुछ कुछ हो रहा है, मतलब गेम का ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बॉट प्लेयर है या फिर बिल्कुल न्यू प्लेयर है, जस्ट ऐसा लग रहा है गेम को, ठीक है। वो तो हमें पता है ना हम कैसे प्लेयर हैं मैं तो जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए विदाउट गन स्किन रैंक पुशिंग कर रहा हूं, लेकिन इसका मेरे को थोड़ा थोड़ा बेनिफिट भी मिल रहा है, और भाई बेनिफिट के साथ साथ दिमाग भी खराब होता है विदाउट गन स्किन ना खेलना। जो मेरे भाइयों के पास ढंग की स्किन है उन्हें पता होगा, हमें ना आदत लग चुकी है यार गन स्किन की, बहुत गंदी वाली लत, तो इसलिए जस्ट खेलना भी बहुत मुश्किल है यार। और एक और मेन बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो है बाय एनी चांस एक हार्ड लॉबी के अंदर आपका बोया लग जाता है, सेकंड लॉबी के अंदर जो आपकी एवरेज लॉबी आएगी, ये गारंटेड नहीं है, ठीक है। आप लोग बोलोगे भाई ऐसे क्यों बोल रहा है, लेकिन आपका अगर एक गेम बोया लग जाता है ना, सेकंड गेम को ट्राई करो, आपकी 2 की स्ट्रीक बनाओ, 2 की स्ट्रीक के बाद जो है थर्ड जो गेम आता है उसके अंदर एवरेज बिलो एवरेज लॉबी आएगी, फोर्थ लॉबी के अंदर जो आपकी बॉट लॉबी आएगी, फिफ्थ लॉबी के अंदर आपकी बॉट लॉबी आएगी, छठी लॉबी के अंदर जो आपकी हार्ड लॉबी आएगी जिसके अंदर आपको जो है बोया निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद जो है आपकी रेगुलरिटी के अंदर 10 की जब तक आपकी स्ट्रीक नहीं लग जाती तब तक बॉट लॉबी आएगी, 10 की स्ट्रीक के बाद जो है एक जो है आप माइनस लगवा लेना है जैसे आपको ठीक लगे, वरना गेम जो है गरीना ब्लैकलिस्ट कर देगा यार आईडी, तो इसलिए ब्लैकलिस्ट तो हमें करना नहीं है ना, इसलिए जस्ट आप क्या करना ना सिंपल सा एक गेम हार जाना, ठीक है, हार जाना है माइनस लगवा लेना जैसे आपको ठीक लगे। और ये चीज़ ना मैंने खुद ने अप्लाई करी थी सीज़न 36 के अंदर, 7 में तो जस्ट अभी तक मेरी इतनी ज़्यादा स्ट्रीक नहीं लगी, लेकिन सीज़न 37 के अंदर एंडिंग के टाइम पे जब मेरा ग्रैंड मास्टर नहीं लगा था तो वो इसी वजह से लगा था जब मैं ये वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करी थी मैंने। और ये वाली स्ट्रैटेजी ना जस्ट बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स, मैं सबके नाम नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जो आप सोच रहे हो उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसीलिए जस्ट आप लोग ये वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो स्ट्रीक लगाने वाली, और विदाउट गन स्किन ये जो है जस्ट मैंने सोचा है ऐसा, बाकी कंफर्म नहीं है, बाकी मैंने आपको टाइमिंग वगैरह सारी मैंने आपको डिटेल बता दी, ठीक है। देखो आप लोग जस्ट ये जो बंदा मैंने मारा जो गाड़ी लेके आया ये जो है अच्छा बंदा था, ठीक है, अच्छा बंदे से मेरा मतलब है काफ़ी ठीक ठाक प्लेयर था, ये मेरे को मार सकता था, लेकिन शायद इसका नेट ठीक नहीं चल रहा था, क्या सीन था, हल्के में ले रहा था मुझे, इस वजह से बेचारा मरा, नहीं तो ये मार देता मुझे आराम से। तो ऐसा ही होता है, आपको ना बॉट लॉबी के अंदर भी ना हर किसी को ना लाइटनिंग नहीं लेना है, ठीक है। आपको जो एक माइंड सेट रखना है कि भाई अगर इसने मेरे को थोड़ा डैमेज दिया तो मैं मर सकता हूँ, ये जो इफेक्ट है। एक बंदा और पीछे की साइड में देखो, उसको मैंने काफ़ी डैमेज दिया भाई, बंदे ने देखो मेरी आधी हेल्थ खा गया बंदा, तो थोड़ा पहले मैं डीड मारेंगे एंड इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ रश मार दूँ, क्योंकि जोन यार वैसी है नहीं उसके पास, तो जोन में उसको आना पड़ेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं चला जाऊँ उसके पास। और यार अगर आप लोगों के साथ बिल्कुल भी बॉट लॉबी नहीं आ रही है, आप जो है बहुत ज़्यादा फर्स्ट एड हो चुके हो, जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है ना वो जस्ट की सब फॉलो करो, सीरियसली बता रहा हूँ, काफ़ी बेनिफिशियल आपको देखने को मिलेगा। बॉट तो नहीं, अगर आपकी रात के टाइम पे, तो भाई बॉट ही कह रहा हूँ मैं, उसके टाइम अगर नहीं आती सुबह के टाइम पे, तो आप लोग जस्ट क्या करो ना मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करो, जिससे कि आपको ढंग से गेम खेलना सीखना आएगा, एंड आप लोग जो है जस्ट काफ़ी अच्छे खासे बंदों को भी पेल के चले जाओगे, जैसे कि
मतलब सच्ची बता रहा हूँ, काफी अच्छी रैंक पुशिंग करने में आपको हेल्प मिलेगी। जस्ट मेरे एपिसोड वाली वीडियोस देखा करा करो, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरा यही कहने का मोटिव है। जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफी अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ, मोटिवेशन देता रहता हूँ, टीचिंग देता रहता हूँ, सब कुछ आपको एक ही चैनल पर मिल जाता है। तो जस्ट फ्री फायर से रिलेटेड कोई भी आपको कंटेंट जानना है, कुछ भी करेक्टर स्किल वगैरह कुछ भी, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पर मेरे को जो कंटेंट सजेस्ट करो मैं उसके ऊपर वीडियो पक्का ला दूंगा। पक्का से मेरा मतलब है एक महीने के अंदर अंदर उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, ये मेरी गारंटीड है। ठीक है, जो भी टॉपिक होगा आपका जस्ट मुझे कमेंट के अंदर बता दो, भाई इस टॉपिक पे वीडियो ला दो, पक्का मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो जस्ट अभी मैं गाड़ी की हेल्प से यहाँ पे आ चुका हूँ, मेरे यहाँ पे 9 किलो हो चुके हैं कंप्लीट, और पीछे की साइड में जो है फाइट चल रहा है घर के पीछे की साइड में, एंड मैं जस्ट एम लेने का ट्राई करने वाला हूँ। देखो मेरे को बंदे दिख गए भाई, काफी फाइट ले रहे हैं पीछे, यार आप लोग खुद देख सकते हो कितनी ज्यादा बॉटल, अभी आखिरी के 2 बंदे बचे हैं इतने बड़े जोन के अंदर, ये थर्ड जोन है और इसके अंदर आखिरी के 2 बंदे अलाइव हैं। तो लाइक सीरियसली ऐसी लॉबी मिल रही है मुझे, मतलब मजाक हो रखा है, जस्ट मैं अपनी खुद की टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर रहा हूँ और ऐसी ही लॉबी मिलती है मुझे। तो अभी मेरे यहाँ पे 9 किले एंड वो बंदा जस्ट बाहर निकलेगा तो उसको डैमेज देंगे, और मैं खिड़की से देखो निकला वो, और अगर एम दिखा 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 भाई, इस बंदे को मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज देखे, JW क्या नाम था, JW विकास भाई को जो है इजिली ऑक से मैंने हेडशॉट देके मार दिया, और विदाउट गन स्किन देख सकते हो यार आप लोग, विदाउट गन स्किन ही खेल रहा हूँ मैं अभी तक, मुझे अच्छा ही लग रहा है विदाउट गन स्किन खेलना इसलिए मैं खेल रहा हूँ, लेकिन जब तक नहीं लगेगा भाई जो हम गन के स्किन के साथ भी खेलेंगे यार, क्योंकि बोर हो चुका मैं विदाउट गन स्किन के साथ। आखिरी बंदा बचा है गेम का एंड मुझे नहीं पता कि वो बंदा कहाँ पर है, लेकिन लाइक सीरियसली इतने बड़े जोन में तो आखिरी बंदा बचा है, 10 किल मैंने कर रखे हैं और उस बंदे को जस्ट ढूंढने के लिए मैं निकल चुका हूँ। एंड आप लोग भी भाई सीरियसली इसी तरीके से बॉट लॉबी लेके आओगे, होपफुली यार आप लोगों को ना मजा आ गया होगा यार आज का ये बॉट लॉबी का ट्रिक लेके। और आपको अगर कुछ भी डाउट है जस्ट मुझसे पूछो, मैं आपको पूरे एक्सप्लेनेशन दूंगा कि भाई आप लोग ऐसे नहीं, अगर आपकी आ रही है तो आप लोग और भी एक वे है उससे आप लोग ला सकते हो, लेकिन यार वो काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब कैसे बताऊँ आपको, वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट काइंड ऑफ है। ठीक है, वो आपको ना कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताएगा, वो मैं आपको बता दूंगा अगर इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक आ जाते हैं तो। ठीक है, ये जो जस्ट एक लाइक टारगेट है, अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आ जाते हैं तो पक्का मैं जो है राठी गेमिंग की ग्लिच बता दूंगा, जैसे कि वो अपनी बॉट लॉबी लेके आता है और अपनी जो है आईडी जो है, मतलब कैसे वो एक टाइम पे उसकी आईडी 10 से 15 बंदे खेल रहे होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक करो, पक्का जो है आपको जो है उस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगी गारंटीड। ठीक है, जिससे कि ना आप लोग भी उसकी तरह रैंक पुशिंग कर पाओगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मतलब मेरे खुद के रीजनल दोस्त हैं तो इसलिए मुझे पता है कि भाई कैसे वो लोग कर रहे हैं ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे 11 किल कर दिया मैंने और लाइक भी मिल गया मेरे को। इसी तरीके से आप लोग भी अपनी बॉट लॉबी लेके आ सकते हो राठी गेमिंग के ग्लिच के लिए, और बॉट लॉबी एक बहुत ही सीक्रेट ग्लिच के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, 1000 लाइक का एम रखते हैं हम आज की वीडियो के अंदर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर ऐसी कुछ नई इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लेके, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। यहाँ पे स्कोर वगैरह चेकआउट कर सकते हो, बाय बाय। अब जो भी मेरे भाई जो है बेस्ट करेक्टर स्किल ढूंढ रहे हो बीआर के अंदर रैंक पुशिंग करने के लिए, तो फटाफट से इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे मैंने आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट करेक्टर स्किल दे रखी है, तो फटाफट से उस वीडियो के अंदर जाओ और मैं मिलता हूँ आपसे उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।